नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। गांव वालों ने दिखाई दरियादिली तो ग्राम प्रधान पुत्र के निकले तीखे बोल। दरअसल जनपद बिजनौर के नूरपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम बलदाना में गौ माता जंगल में बने हुए कुएं में गिर गई, जिसका ग्रामीणों को पता लगा तो ग्रामवासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद गौ माता को जीवित निकाला। उसके बाद वह प्रधान से मिले। उन्होंने प्रधान जी से कहा कि गौ माता के लिए कोई उपचार का स्थान तलाशने को कहा गया, जिससे इसकी हालत सही हो जाए। प्रधान पुत्र ने अपने तीखे शब्दों में कहा, ना तो मेरे पास गौशाला है और ना ही धर्मशाला, इसलिए आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। आइए दिखाते हैं और क्या कुछ कहा। ये गोवंश लेने के लिए आपकी क्यों मना करी? मेरे गांव में ना तो धर्मशाला है, अच्छा, ना मेरे गांव में गौशाला है। अच्छा, ब्लॉक से बात हुई है, ब्लॉक में इस टाइम पे कोई अवेलेबल है नहीं। तो सेक्रेटरी से भी मैंने बता दिया, सेक्रेटरी ने भी बोल दिया कि इन्हें जहाँ पे भी गौशाला इनसे बोल दो गौशाला में। आपका नाम? गुलफाम। आपके पापा जी का नाम? रियासत अली। इस समय प्रधान जो मौजूद है? अच्छा, ठीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जहाँ पर गौ माता को श्रेष्ठ दर्जा दिया जा रहा है, तो वही यह कब तक इन सरकारी अधिकारियों के चलते परेशान फिरती रहेंगी और ना ही यह लोग इनका उपचार करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। इसलिए हमारी सरकार से गुजारिश है कि वह सेक्रेटरी और ग्राम प्रधानों को सख्त से सख्त हिदायत दी जाए, जहां भी गौवंश या गौ माता जख्मी हालत में मिले तुरंत उपचार किया जाए और गौशाला भिजवाया जाए। देखिए संवाददाता इसरार अहमद की एक खास रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक डीपीपी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक कमेंट व शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।